हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सब? आज मैं आपके साथ बिना साचे एकदम परफेक्ट माप के साथ ठेकुआ वो कैसे बनाते उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। एकदम क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे। ये एक ट्रेडिशनल डिश है बिहार और यूपी की। दिवाली के बाद छठ जो आती है ना, उसमें ये प्रसाद के तौर पे बनाया जाता है। देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में एक वाटी भर के मैंने गेहूं का आटा लिया है, नॉर्मल रोटी का आता है ना वही लिया हुआ है। और इसमें मैंने मोटा वाला सूजी था तो मैंने इसको मिक्सर जार में चला के एक चौथाई रवा ले लिया है और उसको भी ऐड कर लिया है। साथ में सौंफ डालेंगे एक चम्मच के आसपास। डेसिकेटेड कोकोनट, नारियल का बुरा दांत है ना, वो 2 चम्मच में ऐड कर रही हूँ इसमें। और साथ में 1/4 हम लोग चीनी यूज करेंगे और नमक डाल रही हूँ थोड़ा सा, एकदम चुटकी भरी डालना है, ज्यादा नमक नहीं डालना है। और घी भी 1/4 पड़ेगा। 1/4 घी डालोगे ना तो परफेक्ट खस्ता एकदम हमारी ये ठेकुआ बनेंगे। ये एक ट्रेडिशनल डिश है और बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी आप इसको दे ही सकते हो। एकदम क्रिस्पी बिस्किट जैसे बनते हैं। पहले मोइन दे देना है आटे में और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक टाइट आटा लगाना है अपने को, सख्त आटा लगाना है। यहाँ पे आटा सख्त रहेगा तो ही ठेकुआ आपके परफेक्ट बनेंगे। अभी थोड़ा सा पानी डाल के मैंने आटे को मसलते मसल के बांध के लिया है। देखो एक टाइट आटा लगाना है, सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है अपने को। एकदम खस्ता तब भी बनेंगे हमारे ठेकुआ। देखो मसलते हुए मैंने आटे को लगा के ले लिया है। अभी इसमें थोड़े से मैं क्रंचीनेस के लिए बादाम ऐड कर रही हूँ। आप चाहिए तो काजू या फिर इसके बिगर भी बना ही सकते हो। और फिर से ये डालने के बाद मसल के लिए, आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है तो थोड़ी सी इलायची पाउडर आप इसमें ऐड कर दीजिए। अभी इसमें का एक छोटा सा लोया मैंने निकाल के लिया है और फिर इस तरह से उसको गोल गोल शेप करके लेना है और फिर इस तरह से लम गोल करना है। और फिर ऐसा कोई भी ये रहेगा ना आपके पास जारा, उसको ले सकते हो आप और उसके ऊपर इस तरह से असेंबल कर दीजिए और थोड़ा सा हल्के हाथों से दबा के लीजिए, जैसे इसके छाप जो रहेगी, निशान रहेगा, वो ठेकुआ पे पड़ जाएंगे। ट्रेडिशनली वो लोग के पास साचा रहते हैं उसी पे बनाते हैं, बट इससे भी आप बनाओगे तो एकदम परफेक्ट ही बनेगा। ये देखो गोल या फिर चाहिए वैसे शेप में आप बना सकते हो और एकदम क्रिस्पी रहता है। डिजाइन कितनी मस्त लग रही है ना। सेम इसको आप गोल भी दे सकते हो शेप। देखो गोल इस तरह से निकाल के लेना है और ये हल्का सा मोटा रहेगा, ज्यादा पतला नहीं रहेगा। अभी इसको देखो मैंने गोल शेप दे दिया और फिर ये कर दिया, प्रेस कर दिया। हल्का सा क्रैक आएगा क्योंकि हमने पानी का इस्तेमाल बहुत कम किया, एक टाइट आटा लगाया इसके वजह से। देखो इस तरह से मैंने इसको भी निकाल के ये डिजाइन बना के लिए, कितनी मस्त दिख रही है ना। और सेम आप चाकू की मदद से भी ये डिजाइन बना सकते हो। चाकू से पहले ये देखिए इस तरह से आप हल्के हाथों से करोगे तो बेहद आसानी से डिजाइन करने जमेगी और बच्चों को तो बहुत पसंद आती है, हेल्दी तो है ही। देखो इस तरह से मैंने इस तरह से भी कर सकते हो, आपको जैसे जमे वैसे आप बना सकते हो और डिजाइन काफी खूबसूरत आती है। जैसे ठेकुआ बनता है ना ट्रेडिशनली, आप वैसे इसी तौर से बना सकते हो बिगर साचे भी। देखो कितना मस्त बना है। यहाँ पे एक बात याद दिला दूं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इतनी अच्छी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। अभी मैंने थोड़ा सा तेल गरम करके लिया है। यहाँ पे आपको हल्का सा तेल गरम करना है और गैस की फ्लेम लो रखते हुए ही पहले पकाना है आपको। कम से कम 5 मिनट के लिए आपको लो फ्लेम पे पकाना है, फिर एक तरह से थोड़ा सा निशान दिखने लगे ना उसके बाद गैस की फ्लेम मीडियम करके लीजिए और फिर उसको फ्राई कीजिए। लो टू मीडियम करते हुए अपने को सारे ठेकुआ को इस तरह से अलटते पलटते शेक के लेना है। इसमें हमने कच्ची शक्कर डाला है ना तो वो कैरमलाइज जब भी होती है ना इस तरह से तेल में तो काफी अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहिए तो गुड़ में भी बना सकते हो। गुड़ का पानी कर दीजिए और फिर इसमें आटा लगाइए, मगर गुड़ का पानी ठंडा करके फिर आटा लगाना। देखो सभी ठेकुओं को मैंने अलटते पलटते शेक ली हूँ और इस तरह से आप करोगे तो एक भी ठेकुआ टूटा नहीं है देखोगे तो। नहीं तो क्या हो जाएगा, आपने हाई फ्लेम पे कर दिया तो अंदर से कच्चा रह जाएगा ये ठेकुआ जो है वो। अभी इसको मैंने ठंडा करके लिया है, फिर एक को तोड़ के भी बताती हूँ कितना मस्त क्रिस्पी बना है और अंदर तक सिक चुका है।
हल्का सा मोटा था, मगर अपने गैस की फ्लेम मीडियम रखते हुए की ना, लो टू मीडियम, इसके वजह से अच्छे से पक चुका है। आप भी बना के इस बार जरूर ट्राई करिए। ये प्रसाद बहुत टेस्टी और हेल्दी है। देखो तोड़ के दिखाया कितना मस्त बना है।